अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मशाज वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं होटल वाला शिमला मिर्च आलू कीमा ढाबा स्टाइल। ठीक है, अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने पतीली में ऑयल ले लिया है तकरीबन आधा कप। इसमें मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, साबुत गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, 10 से 15 काली मिर्च लिए हैं, 8 से 10 लौंग ली हैं। इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने लिए हैं बड़े साइज़ की प्याज 4, जिसको मैंने कट कर लिया है। और मैंने इसको फाइनली, अब मैं इसको सोते होने तक इसको मैंने सिर्फ पकाना है। इसको हमने ना ब्राउन करना है और ना ही इसको हमने गोल्डन करना है। इसको हमने पिंक जब ये सोते हो जाती है, जिसमें हमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, जो कि मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी, जो कि है मशीन का पिसा हुआ कीमा। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन में। ये देखें, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो आप 3 ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और मैं इसमें, ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून नमक, सॉल्ट, जो कि आपको हसबिदा का यूज़ करना है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को, और मैं इनको गलने के लिए छोड़ दूँगी, जो कि क्या कहते हैं, कीमा अपना पानी छोड़ेगा, उसमें ही टमाटर और कीमा अपना पानी छोड़ेगा, उसमें ही कीमा थोड़ा सा गल जाएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। ठीक है, इसमें मैं आलू ऐड करूँगी ताकि ये आलू कीमे के साथ गल जाए, आलू और कीमा इसमें अच्छे से गल जाएगा। आलू को मैंने इस तरह कट किया है, ठीक है, क्यूब्स की फॉर्म में आलू को हमें कट करना है, बहुत प्यारी शक्ल आती है। फिर हमने इसको ढक के रख देना है, आलू और कीमा अच्छे से गल जाएगा। ये देखें, आलू और कीमा जब गल जाएगा तो हमें इसमें ऐड करनी है शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च तो 5 मिनट में दम पे गल जाती है, और हमें वो ग्रीन रखनी है शिमला मिर्च को, ज़्यादा पकाना नहीं है डाल के। ये देखें, सालन अच्छे से मैंने भून लिया था, और मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। आप ऑयल चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऑयल कम डाला है थोड़ा सा। ये देखें, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से दम पे रखेंगे। ये देखें, शिमला मिर्च आलू कीमा हमारा तकरीबन रेडी है, बस हमें इसको दम पे रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ और स्पाइसेस, जो कि इसका फ्लेवर और इन्हेंस करेगा, वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर मैंने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून भर के, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हम अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ठीक है, ये देखें, हम इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिसमें हमारी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएगी, ताकि उसका शिमला मिर्च का कलर ना ख़राब हो, और इसकी वाइट पेपर की भी बहुत अच्छी खुशबू इसमें आ जाएगी। इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, इसका फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। सब बहुत शौक से खाते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आपके पास नई वीडियोज़ आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।